आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। 2 दिनों तक गुलाब चक्रवात के वजह से जीवन अस्त व्यस्त तो रहा ही, इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को गंभीर परेशानियां भी उठानी पड़ी है। चास नगर निगम के वार्ड संख्या 2 का पौष कॉलोनी कहा जाने वाला कुंज विहार बसेरा में इस भारी बरसात की वजह से एक महिला अपने 2 महीने की बच्ची के साथ घर में फंस गई थी। इस विकट परिस्थिति में वार्ड संख्या 2 के निवर्तमान पार्षद सुनील महतो ने सच्ची मानवता दिखाई। निवर्तमान पार्षद सुनील महतो ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस महिला और इनकी 2 महीने की बच्ची को सीढ़ी लगाकर घर से बाहर निकाला और फिर उसे निवर्तमान पार्षद सुनील महतो ने सुरक्षित स्थान पहुंचाने का काम किया। निवर्तमान पार्षद ने महिला और बच्ची के अलावा भी अपने वार्ड क्षेत्र के कई परिवारों को सहायता पहुंचाई। बाढ़ में सब फंसा हुआ है, लेकिन सीढ़ी लगा के ट्रैक्टर लगा के सुनील कुमार महतो जी के द्वारा देखिए सभी को हम लोग बाढ़ से निकालने जो हैं। देखिए सीढ़ी के द्वारा ट्रैक्टर में चढ़ाया जा रहा है, छत के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि इतना पानी है, फिर भी पानी के चलते हम लोग सीढ़ी की पूरा टीम कैसा देखिए इस बाढ़ के इस पानी के चलते कैसा देखिए कैसा फंसा हुआ था रात भर ये लोग बहुत बेचैनी है। और कितना देखिए 1 महीना का बच्चा है, एक महीना का बच्चा को देखिए कैसे हम लोग निकाल रहे हैं और पूरा टीम सुनील कुमार महतो जी की पूरा टीम लिए। कल देखिए कल शाम से ही पानी का रफ्तार बहुत ज़्यादा है और पानी को रफ्तार को देखते हुए पूरा जितना भी घर है बसेरा में देख सकते हैं आप कितना पानी का धार है, जितना भी घर है सब डूब चुका है, गाड़ी घोड़ा सब जितना भी है सब डूब चुका है। अब आदमी लोग ना डूब के मतलब प्रॉब्लम में आ गया, खाना पीना मुश्किल है, उसी को निकाला जा रहा है वार्ड पार्षद श्री सुनील कुमार महतो जी के द्वारा ट्रैक्टर अपना वाहन से निकाला जा रहा है सबको धीरे धीरे। कितने घर होंगे अंदर में डूबे हुए? कम से कम 70-80 घर होंगे डूबे हुए। अभी तक कितने निकले हैं? अभी तक तो कम से कम 4-5 को परिवार निकल चुके हैं।